हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवंत स्वामी ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गुरुवाणी आचार्य विशेष सिद्धिवादी पार्षद श्रेष्ठाय। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनायुक्त संघ, इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारे आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर का यह प्रोग्राम मायापुर लाइव टॉक शो में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं सुस्वागतम। तो प्रति सप्ताह की तरह इस बार भी हमारे तीन महानुभव भक्तगण पधारे हैं। आप सभी भक्तों के मन में किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रश्न हो, हमारे नीचे जो नंबर दिया गया है 6297773729, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम एवं नॉर्मल चैट करके कोई भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जब तक प्रश्न नहीं आते हैं तब तक हमारे जो भक्तगण पधारे हैं, श्रीपाद निताई गुणमणि प्रभु, श्रीपाद शुभ विजय प्रभु, श्रीपाद रसमय नित्यानंद प्रभु, तो सर्वप्रथम हमारे निताई गुणमणि प्रभु से अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे मायापुर लाइव टॉक शो में पहली बार आए हैं तो हमारे दर्शक श्रोतागण जानना चाहते हैं आपके विषय में, किस प्रकार आपका भक्ति जीवन में पदार्पण हुआ, श्रील प्रभुपाद के सोसाइटी में अपने लाइफ को कैसे डेडिकेट किए और इस्कॉन जीवन में आप कैसे आए, हमारे दर्शकों को दो शब्दों में बताइए। हरे कृष्णा। फिर तो सर्वप्रथम मैं जो इस्कॉन के टॉक शो है उनके संचालक को धन्यवाद देता हूँ, तो वो हमको बुलाए कुछ समय के लिए भगवान के विषय में चर्चा करने के लिए, कुछ प्रश्न उत्तर करने के लिए, उसके लिए विशेष धन्यवाद। रही बात कि हमारा परिचय का, हम एक साधारण भक्त हैं। जब पहले तो शुरुआत हुआ कि हमारे स्कूल में इस्कॉन मायापुर से, इस्कॉन भुवनेश्वर से सब भक्त लोग आते थे, पुरुषोत्तम महाराज, परम पूज्य जयपता का स्वामी गुरु महाराज और गौरगोविंद स्वामी महाराज भी मेरे से पहले आए हैं, 96 से पहले जब आए थे। तो वो स्कूल में कुछ आध्यात्मिक वातावरण था, कुछ प्रार्थनाएं होता था, कुछ आरती होता था, तो इससे प्रभावित थे, जप करना उसी से ही, वहीं से ही शुरू हुआ। उसके बाद पढ़ाई के बाद फिर हम जब दिल्ली गए कुछ काम करने के लिए, तो उस समय कुछ इस्कॉन के भक्तों के साथ परिचय हुआ। तो फिर आगे से इस्कॉन के जो बेस रहता होता है तो उसमें रह के हम कुछ काम करने के लिए गए थे, कुछ काल तक मंदिर में भी सेवा की, फिर ज्वाइन किया। एक छोटा परिचय है हमारा। बहुत सुंदर, प्रभु जी विनम्रता के मूर्तिमान स्वरूप है, नाम ही कितना सुंदर है, निताई गुणमणि। गुणमणि का अर्थ होता है गुणों की खान, जिनके पास सिर्फ गुण ही गुण है। तो प्रभु जी से हम लोग प्रश्न करेंगे। तो एक प्रश्न आया है रेखा जायसवाल झाड़ग्राम से। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, कैन आई यूज टू डिफरेंट जप माला, वन एट होम एंड अदर एट ऑफिस, आई एम नॉट येट इनिशिएटेड। उनका प्रश्न है कि क्या मैं दो जप माला रख सकता हूँ, एक ऑफिस में जहाँ पे मेरा चैम्बर है और एक अपने घर में। अगर माता जी का ये प्रश्न है तो एक ही जप माला से जप करना बेहतर है। मैं इसे सुना हूँ कथा में जिसे संत महाजन से कि एक ही माला होना चाहिए, एक ही आसन होना चाहिए, इस प्रकार का मैं सुना था। बाकी भक्त लोग कुछ बता सकते हैं एक माला से जप करने से क्या हानि है। तो मान लीजिए तब तो एक ही कपड़ा से हम लोग को पहनना भी है, जैसे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी एक ही कपड़ा में नंगोटी, एक ही कपड़ा में उत्तरी, एक ही कपड़ा में सब कुछ, ऐसा करने से होगा? जप माला के साथ कपड़े के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। गुड गुड। हाँ, जप माला एक ही होना चाहिए। बाकी माता जी बोल रहे हैं कि हमने दीक्षा नहीं लिया, बट ये दीक्षा लेने का ये तो प्रयास है ना। अब दीक्षा के बाद भी दो चार माला रख के इसे बोलेंगे कि नहीं। लेकिन इसमें एक पॉइंट बोला जा सकता है, जैसे अभी तक जब दीक्षा नहीं हुआ, अभी तक गुरु महाराज तो माला नहीं दिए ना, तब तो एक दो माला खरीद के एक ऑफिस में रख सकते हैं, एक अपने पास रख सकते हो। आपका क्या सुझाव है? बहुत बार लोग भूल जाते हैं
जो लोग ऑफिस वाले होते हैं, हाँ, लेकिन यदि सुबह में यदि जप कर ले तो अच्छा है, यदि सुबह में नहीं कर पाते हैं तो यदि हमेशा जब यदि हम कॉन्शियस हो जाएंगे कि हमें जप माला ले जाना है, हाँ, तो अच्छा रहेगा, अभी से प्रैक्टिस रहेगा जी। लेकिन अभी कुछ नहीं है, अब क्या बोले, जैसे बोलते हैं कब कुछ होप ही नहीं है, मान लीजिए नहीं है लेकिन रख दो। अब कुछ लोग ऐसे ऐसे होते हैं कि कुछ लोग अपना जैसे 16 माला कर लिया, अब उनको डर लगा रहा था कि ये जिनका दीक्षा हो गया उनको स्पेशली ये 16 माला हो गया, अरे अभी इसको लेके जाएंगे तो कहाँ भूल जाएंगे, क्योंकि भूलने की प्रवृत्ति कभी कभी रहती है। तो इसीलिए हम लोग कभी सुनते हैं हमारे ब्रह्मचारी किचन में भी बोलते हैं, अरे इनका जप माला खो गया है तो आप लेके किसी को मिलाओ तो दे दीजिए। मतलब क्या है कि वो भूल गए हैं, तो ऐसा नहीं कि पर्पसफुली भूले, मतलब ऐसा हो जाता है कभी। तो सेफ्टी के लिए वो लोग रखते हैं यदि आप, लेकिन यदि 16 माला जो एक जो अपना बीड है उसमें करें तो ज़्यादा सही है, जैसे बताएं। सुबह विजय प्रभु का क्या कहना है इसमें? क्योंकि माता जी दीक्षित नहीं है तो इसलिए वो घर में एक रखते हैं, ऑफिस में एक, तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं है। परंतु दीक्षा होने के बाद वो एक ही माला से जप करना होता है, क्योंकि जब गुरुदेव दिए हैं जब ही वो चैंट करेंगे उसी माला से करना है। तो दीक्षा से पहले अगर ऑफिस में एक है या घर में एक है इसमें कुछ हानि नहीं है, परंतु दीक्षा के बाद एक ही माला से जप करना है। मेरा ये गुड गुड पॉइंट। अच्छा, तो तीनों हमारे प्रभु जीगण जो बताए कि जब तक दीक्षा नहीं हो जाता तब तक आप कभी ऑफिस का एक अलग चंदन का माला हो या बेल का माला हो, लेकिन जब गुरु महाराज जब दीक्षा देंगे तो वो परंपरा से आ रहे, गुरु परंपरा से, तो वो माला का एक अपना महत्व है, इसीलिए उसी में जप करना है, तब उनका कुछ मूल्य है। नेक्स्ट प्रश्न है शुभ विजय प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धर्मपालक गोविंद दास, बलिया, उत्तर प्रदेश। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि हम लोग भगवान की रोज पूजा अर्चन करते हैं, तो क्या भगवान पूजा अर्चन को स्वीकार करते हैं या नहीं, हम इसे कैसे समझ सकते हैं, कैसे मालूम पड़ेगा? भागवतम में भगवान बोले हैं एक श्लोक, फर्स्ट लाइन हमको याद नहीं आ रहे हैं, ध्येयो पूजश्च नित्यदा तस्माद एकेनो मनसा भगवान सार्थतांग पतिं श्रितव्य की तितिव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। गुड। तो भगवान का ध्यान करना चाहिए, ध्येय पूजश्च पूजा करना चाहिए, और नित्यदा, ऐसा नहीं कि आज पूजा किए तो फिर जन्माष्टमी में फिर पूजा करेंगे। तो शास्त्र में वर्णित है कि भगवान, और भी गीता में भी बोले हैं कि मनमना भव मद भक्त मद जाजी, मेरा जजना करो, मेरा पूजा करो। तो गीता में भी भगवान स्वयं बोले हैं और भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी वहाँ पे बोले हैं कि ध्येय पूजश्च नित्यदा करना है। तो शास्त्रों को हमको मानना है, और श्रील प्रभुपाद जी जो हम लोगों को, विशेष करके गृहस्थ जो भक्त हैं उनको तो अर्चन करने के लिए बहुत सारे उनको बताए कि गृहस्थ जो भक्त हैं उनको भगवान का अर्चन करना चाहिए यानी पूजा। तो माता जी का जो क्वेश्चन है, माता जी है ना, नहीं धर्मपालक गोविंददास, गोविंददास जी, तो उनका जो प्रश्न है कि पूजा, तो शास्त्र में मैं देख रहा हूँ हम लोग कि गीता में भी है, भागवत में भी है, और प्रभुपाद स्वयं इतने सारे मंदिर, इतने सारे विग्रह जो स्थापना किए पूजा करने के लिए, इसलिए पूजा तो करना चाहिए। नहीं, अभी प्रश्न है कि हमको पता कैसे चलेगा कि भगवान स्वीकार कर रहे हैं। भगवान स्वीकार कर रहे हैं, आप उसमें जुड़िए। आप घर में अगर आपका आलेख है, राधा मतलब का चित्रपट है या विग्रह है, आप सेवा कीजिए, तो सेवा करने के बाद आपका उपलब्धि होगा कि भगवान आपका सेवा ले रहे हैं। आप सेवा पे नहीं जुड़े हैं तो आप कुछ नहीं बता सकते। भक्ति ऐसा है, अनुभव का चीज़ है। आप जब उस सेवा में लग जाएंगे तब आपको खुद को ही पता चलेगा कि भगवान हमारा सेवा ले रहे हैं। भगवान को जब आनंद मिलेगा आपका हृदय में, ऑटोमेटिकली वो आनंद मिलेगा। और रही बात एक, जैसे प्रभुपाद जी जैसे बोले गृहस्थ भक्त को अर्चना करने के लिए यानी पूजा करने के लिए, तो हम लोग तो संसार का भजन करते, जो गृहस्थ लोग हैं जो कृष्ण भावनामृत से नहीं जुड़े हैं, उनका घर है, उनका वाइफ है, लड़का है, बच्चा है, सब कुछ है ना, तो उनका भरण पोषण, उनका ड्रेस, सब कुछ सोचते हैं उनके बारे में। परंतु
इस संसार जो है जड़ जगत बोला जाता है, यानी इस जगत का सब कुछ जड़ है, उसमें चेतन आत्मा प्रवेश किए हैं, इसलिए इसमें जान है। वो आत्मा निकल जाएगा तो कुछ प्राण नहीं है। गुड, है ना। तो ये जड़ जगत को यानी इस जड़ संसार को सेवा करना और भगवान की सेवा करने में दोनों में अंतर क्या है, उसको आपको उपलब्धि करने के लिए भगवान की पूजा जब करेंगे तब आपको ये पता चलेगा। तो आप पूजा करिए, और आपके आप जो नाम तो दीक्षित लग रहा है मेरे को, तो शायद आपको ये जानते हैं इसका आंसर, फिर भी आप सुनना चाहते हैं भक्त से। तो मेरा उपलब्धि यही है कि आप जब भगवान के मंदिर में भगवान का सेवा पूजन करेंगे तभी आपको माने मालूम पड़ेगा कि भगवान आपका सेवा पूजा ले रहे हैं, नहीं तो ये आप उपलब्ध नहीं कर सकते हैं। बहुत सुंदर। हमारे शुभ विजय प्रभु जी इतना शास्त्रों के माध्यम से अपना एग्जाम्पल के द्वारा समझाए कि भक्ति जो है ना एक अनुभव की चीज़ है, है ना। ये कोई आपको मुखस्थ विद्या कंठस्थ विद्या के द्वारा नहीं बता सकते, आप खुद इसे रियलाइजेशन करेंगे कि भगवान आप जो उसको अर्पण कर रहे हैं वो ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं। बहुत अच्छा पॉइंट बताए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे रसोमय नित्यानंद प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम है पायल मंडल, आसाम से। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, प्लीज एक्सप्लेन दी होली मीनिंग ऑफ प्रभुपाद नमस्कार मंत्र। प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। ये जो पवित्र मंत्र है, पवित्र नमस्कार प्रणाम मंत्र प्रभुपाद का, आप कृपा करके इसको विस्तार से बताइए, क्या मीनिंग है इसका अर्थ। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि ये संस्कृत शब्द है, और संस्कृत को यदि हम लोग देखें तो सामान्य भाषा में ये हिंदी भी है, जैसे कृष्ण प्रस्थाय भूतले, ये कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का एक प्रकार से बोल सके भूतले, मतलब इस भूमंडल में या जो चीज़ है उसको स्थापित करने या प्रचार करने, इस प्रकार से समझ सकते हैं। कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिदान्त स्वामी इति नामने, कि हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन क्या है विशेषता, क्या सुनते हैं निर्विशेष शून्यवादी, कि पहले उन्होंने क्या किया कि निर्विशेष और शून्यवादी लोग को यहाँ से, मतलब विदेश में स्पेशली, कि वहाँ जाके निर्विशेष और शून्यवादी लोग को भगा दिया। तो ये है, तो मेन प्रभुपाद जी गए विदेश में किसके लिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के वचनों को पालन करने के लिए। तो ये है दूसरे लाइन का मीनिंग, कि उन अपने गुरुदेव का जो है वाणी का प्रचार, उनका मन का जो चीज़ था वो करने के लिए। और ये तब कब संभव हो पाएगा, जब ऐसे निर्विशेष और शून्यवादी लोग जो होंगे दूर चले जाएंगे, या उनके लोगों के जो मन में है वो जो धारणा निर्विशेष या शून्यवाद, वो यदि हट जाएगा तभी ये भगवान का जो है जो वाणी है या उनका जो उपदेश है वो लोग अपने जीवन में उतार पाएंगे और उसको कर पाएंगे। तो उन्होंने ये किया, इसीलिए उनका ये जो प्रणाम मंत्र है इस प्रकार से बनाया गया। बहुत सुंदर। तो हमारे श्रीपाद रसमय नित्यानंद प्रभु जी जैसे बताए वर्णन किए कि श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव इस संसार में भगवान कृष्ण की महिमा को प्रचार प्रसार करने के लिए, मायावादी और निर्विशेषवादी जो है उनके जो भ्रम है उनको दूर करने के लिए, एवं अपने गुरुदेव श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की इच्छा की पूर्ति के लिए, एवं गौरवाणी प्रचारिणी अर्थात गौरांग महाप्रभु की जो महिमा पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइ बे मोर नाम, इसको सार्थक करने के लिए ही श्रील प्रभुपाद आए हैं, और यही है इस प्रणाम मंत्र की विशेष महिमा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे निताई गुणमणि प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम है गर्वित कुमार, नोएडा उत्तर प्रदेश से, दिल्ली NCR। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि ब्रह्म मुहूर्त में जप करने का बेनिफिट क्या है, क्या क्या है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बार मैं सुन रहा था, मैं जिनका सेवा करता हूँ भक्ति वासुदेव स्वामी महाराज का, इसका उत्तर इस प्रकार देते हैं कि कोई भी काम अगर उसका प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक स्पेसिफिक समय रहता है, लाइक सतोगुणी काम के लिए सतोगुणी समय रहता है, रजोगुणी काम के लिए रजोगुण समय रहता है, और तमोगुण काम के लिए तमोगुण समय रहता है। जैसे सुबह के माँ मतलब जैसे 4 बजे से 8 बजे 9 बजे तक ये सतोगुण का समय है, और
जैसे दिन बढ़ता जाता है, दोपहर होता है, 12, 1, 2, 3, 4, ये सब रजोगुण का समय है, उसमें रजोगुण ही काम होना चाहिए। तमोगुण का समय रात्रि होता है, भोजन करना है, सोना है, निद्रा, आलस्य। तो ये जो भजन जो है वो सतोगुणी प्रवृत्ति है, सतोगुण काम है। तो इस सतोगुण काम को सतोगुणी समय में करने से इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। उसी चीज़ को अगर आप दोपहर को करते हैं या रात को करते हैं तो उसका जो पोटेंसी है वो इतना नहीं रहता है। नाम का पोटेंसी तो है, बट उसमें जो आपका एंडेवर है, क्या आपका प्रयास है, वो इतना फ्रूटफुल नहीं होता है, इतना फलवती नहीं होता है। और देखा जाता है कि किसी भी कार्य को इस संसार में करने के लिए अगर आप शतगुण समय में करते हैं तो उसका जो फल है वो और ज़्यादा निखर के आता है। हाँ, तो इसलिए अगर नाम जप करना है और भगवान का सबसे शुद्ध नाम अगर शुद्ध समय में करना है, करना चाहिए, तो उससे क्या होता है, आप बहुत अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं उससे, है ना। और उस समय मानस जब मन जो है वो शांत रहता है, इतना उद्विग्न नहीं रहता है। जैसे दिन बढ़ता है मन भी उद्विग्न होता है। तो भगवान का नाम लेने का ये सतगुण समय बहुत बेस्ट है ना, उस समय में आप कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी ने उत्तर दिया। और एक इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ जी, एक मैं सुना था राधेश्याम प्रभु को, जैसे समुंदर होता है, समुंदर क्या करता है, रात को जितने सारे कचरा रहता है ना वो सब सुबह लाके छोड़ देता है, तो समुद्र शांत मतलब क्लीन रहता है सुबह के समय। अच्छा। उसी प्रकार जितने भी सारे दिन का जो पूरा दिन भर का जो कचरा है, रात को इकट्ठा होके मतलब हृदय शांत हो जाता है, सब शांत। अच्छा, हो रियल जाता है। समुद्र की बात जो बताए, हाँ मैं वो वाला सुना नहीं, तो मैं सुना हूँ, लेकिन ऐसा होता तो, है कि रात में वो सब बाहर कर देता है कचरा। तो हम जब रेस्ट लेते हैं, हम जब रेस्ट करते हैं रात को, तो हमारा दिन भर का जितना थकान है, जितना चिंता है, सब शांत बढ़ जाता है, फुल माइंड पूरा काम एंड क्वाइट रहता है। तो उस समय में अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो हम ज़्यादा इजीली कनेक्ट कर पाएंगे भगवान के साथ। भगवान का नाम ले रहे हैं मतलब हम फ़ोन कर रहे हैं और बात करना चाहते हैं भगवान से, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, पूरा शांत कांत वातावरण है, है ना। और एक बात बताते हैं भक्त वासुदेव साईं महाराज, जब हम हनीमून करने के लिए कोई जाता है बाहर तो सब प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होना चाहता है, मोबाइल को भी स्विच ऑफ करके रख देता है, पति और पत्नी दोनों के बीच में और कोई नहीं होना चाहिए। तो जो सतोगुणी समय होता है उस समय बाहरी जगत पूरा शांत रहता है, रात्रि उस समय कोई हेचकेच पे कुछ नहीं रहता है, तो पूरा शांत रहता है, आपका माइंड भी शांत रहता है और भगवान के साथ कनेक्ट करने में ईजी रहता है। सुंदर पॉइंट। इस संबंध में मुझे श्रीपाद सुबह विजय प्रभु से एक क्वेश्चन करना है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, कि जब मैं कभी कभी सुबह 6 बजे इनको फ़ोन करता हूँ, प्रभु जी आज गुरु पूजा गाना है, मुझे लिस्ट भेजिए कहाँ पर है, मैं अभी किचन में जप कर रहा हूँ, तो मेरा प्रश्न आप किचन में क्यों जप करते हैं? किचन में आप बोलते हैं कभी कभी ब्रह्मचारी किचन में आके जप कर रहे हैं, जैसे हमारे भक्तगण एक साथ में मंदिर में जप करते हैं, या कभी कभी आप रूम में जप करते हैं, कभी कभी आप किचन में जप करते हैं, किचन में क्या? मैं क्या ऐसा रहस्य है? सिक्योरिटी किचन देखता हूँ, जो बैरक में जो लोग सिक्योरिटी लोग रहते हैं, तो सुबह जाके हमको मेनू ठीक करना है, क्या ऑर्डर देना है, तो इसीलिए आप जब फ़ोन करते हैं 6:30 बजे के बाद, 6 बजे नहीं, 6 बजे मैं टेम्पल में रहता हूँ, 6:30 बजे के बाद, या कभी कभी जब देखता हूँ कि गुरु पूजा जगन्नाथ जी है वो मिस नहीं करेंगे, आसमान से बारिश बनना हो जाए तो मैं जानता हूँ कि वो मिस नहीं करेंगे, तो मैं चला जाता हूँ 7 बजे। साहिल कुमार जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आप भक्ति में जुड़े हुए हैं और आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। ये भक्ति में सभी का ऐसा होता है, भक्ति में कभी उतार चढ़ाव होते हैं, परंतु मैं जो बड़े भक्त से सुने हैं तो उसमें बताया गया यही कि जो उन्नत भक्त हैं, जो भक्ति में स्थिर है, उनका कभी डाउन नहीं होता है, आप होता है डाउन नहीं होता है, ऐसे भक्त का संग लेना है आपको। और आप भक्ति में अगर
आपका शायद आप मंदिर में नहीं रहते हैं, तो आप आपका नज़दीक जो आपका टेंपल है इस्कॉन का, तो उस टेंपल में आप सुबह रोज अगर सामने हैं तो जाया कीजिए। और आप जप करने के समय अगर आप मंदिर नहीं जाते हैं तो घर में जहाँ पे आपको मंदिर है बैठ के एक जगह जप कीजिए, तो आपको ये जो उतार चढ़ाव का जो भक्ति में होता है वो आपको एक स्थिरता मिल सकता है। उन्नत भक्त का संग करना चाहिए अगर आपका ये पॉसिबल है आपका, अगर नहीं है तो आप घर में जो प्रभुपाद का जो इंस्ट्रक्शन है उनका किताब पढ़ना, उनको बुक को फॉलो करना और चैंटिंग जब जप करना है एक जगह बैठ के पूरा नाम को श्रवण करना, ऐसे करने से भक्ति में स्थिरता आते हैं। बहुत सुंदर पॉइंट हमारे शुभ विजय प्रभु जी बताए कि पहला इंस्ट्रक्शन जो प्रभु जी दिए कि उन्नत भक्तों का संग करना है, और अगर मान लीजिए किसी कारणवश या परिस्थिति बस अगर उन्नत भक्त का संग न मिले तो घर में अपने जो विग्रह है या श्रील प्रभुपाद का जो इंस्ट्रक्शन है उसको कड़ाई से पालन करने से हमारे जीवन में या भक्ति में स्थिरता लाई जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे श्रीपाद रसमय नित्यानंद प्रभु जी के लिए है। इसका प्रश्न यूट्यूब चैनल के माध्यम से आया है, रूपानुग भक्ति यूट्यूब चैनल का नाम है। इस्कन बा गड़ियों मठर भक्तरा कि बाबाजी गोस्वामी सम्प्रदायर भक्तर हाथे प्रसाद पेते पारे, बाबाजी गोस्वामीरा कि इस्कन गड़ियों मठर प्रसाद पेते पारे। इनका प्रश्न है कि इस्कन या गड़ियों मठ के जो भक्तगण हैं तो वृंदावन में जितने सारे बाबाजी है तो वो लोग जो प्रसाद है वो लोग जो प्रसाद खाते हैं तो उनके हाथों में क्या इस्कन एवं गड़ियों मठ के डिबोटी लोग प्रसाद पा सकते हैं, या इस्कन के डिबोटी के हाथों में बाबाजी लोग प्रसाद पा सकते हैं, उनका प्रश्न है। अच्छा, दोनों असाइनमेंट लेनी है इसलिए। या तो हरे कृष्णा, तो ये बहुत ही चतुराई से आपको समझना है। कैसे चतुराई से बोलूँगा, क्योंकि जो वृंदावन के जितने जो लोग हैं तो हम लोग जैसे जानते हैं कि धाम में सभी लोग क्या हैं, भगवान के भक्त हैं, जैसे हम लोग समझते हैं चतुर्भुज रूप में है कि नहीं जी। हम लोग नहीं देख पा रहे हैं वो अलग बात है, और वो लोग कहीं ना कहीं भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। हम ऐसा नहीं समझना चाहिए अच्छा जो लोग इस्कॉन में है वही लोग शुद्ध भक्त हैं और बाद बाकी लोग शुद्ध भक्त नहीं है, तो ये हमें नहीं सोचना, क्योंकि हम लोग कभी कभी ऐसा सोचने लगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि नहीं जो ये आ रहा है इस्कॉन वाला है वही शुद्ध भक्त है, कभी कभी ऐसे मन में बैठ जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वृंदावन में बहुत सारे लोग हैं जो सिद्ध पुरुष हैं, हम लोग अभी उसका अनुभव नहीं कर सकते वो अलग बात है, और वहाँ पे तो श्रीमती राधा रानी की कृपा हुई है तभी तो उनको वहाँ वास मिला है। गुड, नहीं तो वृंदावन मायापुर धाम धाम में किसी को जगह मिलना ही मतलब बहुत ये है कि वो लोग को धाम में जगह मिला, मतलब वहाँ के जो डोमिनेटिंग बोल सकते हैं जो डीटी है, मान लीजिए कि मायापुर मतलब चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है, वृंदावन मतलब श्रीमती राधा रानी की कृपा हुई है, तो इस प्रकार से उन पर ऑलरेडी कृपा है तो उनके हाथ से प्रसाद हम ले सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्यों मैं पहले बोला चतुराई भरा, कि अब ऐसा नहीं कि हम लोग सोचे अच्छा ये तो बाबा जी हैं, अब कोई बाबा जी मान लीजिए सिगरेट पी रहे हैं तो हम वहाँ जाके बोले अच्छा ठीक है तो पहले ही बोल दिया था चतुर्भुज हम शायद नहीं देख पा रहे चलो इनके यहाँ खा ले, तो वो नहीं करना है। मतलब इतना थोड़ा चेक कर लेना है कि हाँ यहाँ लहसुन प्याज तो नहीं है, ये चीज़ें नहीं हैं, या हमसे पूछ सकते हैं कि क्या आप मतलब जो भी उनके विग्रह हैं उनको ऑफर करते हैं, तो ये सब जब चीज़ें जान जाएंगे तो क्या होगा कि हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ जैसे आप धाम जाएंगे तो वहाँ आपके लिए हो सकता है कि प्रसाद नहीं हो या आप बना भी नहीं पाएँ, तो वहाँ कुछ कुछ जैसे कुछ बाबा जी लोग हैं जो सिर्फ ऐसे भेज बनाते हैं, तो आप उसको लेके क्या कर सकते हैं, स्वयं भी उसको भगवान को भोग लगा सकते हैं, और जो दूसरे संप्रदाय से आ रहे हैं तो उनके लिए भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं वो सारे लोग जो भी कुछ बनाते हैं भगवान को दे देते हैं, तो भगवान को प्रेम से देते तो भगवान ग्रहण कर लेते हैं, और तो भगवान का ये प्रसाद है तो भगवान का प्रसाद तो हम लोग उनकी कृपा के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो कृपा तो कोई भी व्यक्ति ले सकता है, वो भक्त है या अभक्त है कोई भी ले सकता है। हाँ, बहुत सुंदर हमारे रसमय नित्यानंद प्रभु जी ने बताया। तो इसमें और एक चीज़ बोला जा सकता है, जैसे देखिए मान लीजिए आप इस्कॉन वृंदावन गए, वृंदावन धाम गए, तो वहाँ पर इस्कॉन मंदिर में भी प्रसादम का फैसिलिटी है,
और बाबा जी के आश्रम में भी प्रसादम का फैसिलिटी है, गौड़ीय मठ में भी है। तो अगर आप इस्कॉन डिवोटी है तो आप इस्कॉन मंदिर में जाके खा सकते हैं, गौड़ीय मठ है तो गौड़ीय मठ में खा सकते हैं। जब नहीं मिलता तब तो हम लोग किसी, जैसे 2018 में हम लोग केदारनाथ गए थे, एक साथ में गए थे 100 ब्रह्मचारी संकीर्तन डिवोटी वी ऑल्सो। तो वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ, हम लोग पूरा थक गए केदारनाथ ऊपर में। तो आके नीचे बहुत सारे रेस्टोरेंट है जो लहसुन प्याज भी बनाते हैं, हाँ, लेकिन किसी किसी रेस्टोरेंट में लहसुन प्याज नहीं, एकदम पूरा शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन भोग मोग कुछ नहीं लगाते, भगवान का ऐसे कुछ नहीं लगाते। तो हम सब पतित पावन प्रभु और पूर्णानंद प्रभु, माइसेल्फ और भी बहुत सारे भक्त के साथ हम लोग पनीर पराठा आलू पराठा खा लिए। वहाँ पे ना गौड़ीय मठ है, ना इस्कॉन का दुकान है, ना कुछ है, वो परिस्थिति अनुसार। तो जब परिस्थिति में ऐसा खाते तो परिस्थिति वेश में, तो बाबा जी के यहाँ तो जैसे हमारे शुभ विजय प्रभु इस बार ब्रजमंडल परिक्रमा किए, ऐसा नहीं कि हर जगह इनको इस्कॉन का ही प्रसाद मिला, यस कई कई पर बाबा जीओं का भी प्रसाद मिला है। परंतु जो शास्त्रों में बताए गए हैं कि कैसे भक्त का संग करना है, स्वजातीय स्निग्ध है ना, स्वजातीय स्निग्ध भक्त का संग करना है, और बाबा जी लोग से प्रसाद खाने में कुछ दिक्कत नहीं है, परंतु अगर वो इस्कॉन का निंदा करते हैं, प्रभुपाद का निंदा करते हैं, इस्कॉन से कोई अगर जाते हैं तो उनको बोलते हैं आपका गुरुदेव का त्याग करो और फिर हमसे दीक्षा लो, तो उनसे नहीं खाना चाहिए। गुड, वेरी नाइस। जो वैष्णव निंदा करे उससे तो दूरी बनाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो आपका जो क्वेश्चन है वो जी बहुत बढ़िया बोले, परंतु आप देखना है कि वहाँ पे व्यवस्था अगर है, एक्चुअली सब जगह इस्कॉन का मंदिर है या भक्त हैं, अगर कोई जगह नहीं है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा विचार करना है कि जिस जहाँ से प्रसाद ले रहे हैं वो कुकिंग कौन किए हैं, ऑफरिंग है या नहीं है, और वो वैष्णव निंदो क्या गुरु निंदा करते हैं या नहीं। अगर ऐसे कुछ नहीं है भाव तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यदि वो लोग बनाए भी हैं तो आप ऑफ़र कर सकते हैं। जैसे चित्रकूट धाम में हम लोग गए थे तो वहाँ पे अभी तो सेंटर हो गया, लॉन्ग बैक इस्कॉन का सेंटर नहीं था, तो वहाँ भेज बनाते थे, तो उनसे हम लोग बोले थे कि आप बनाइए जो भी चीज़ है, लेकिन हम लोग को थोड़ा पहले बुला लीजिए, तो हम लोग ऑफरिंग करते थे, तो ऑफरिंग करके फिर खाइए। तो मतलब पॉसिबिलिटीज़ देखना है कि हम कितना कर सकें। तो हमारा भाव हमेशा होना चाहिए कि प्रसाद ले, उसमें जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई रख सके उतना ज़्यादा। जैसे मायापुर धाम में देखेंगे तो हमारा क्या है, किचन में जो सेकेंड इनिशिएटेड है वही बना सकते हैं, है ना, दूसरे को नहीं बना सकते। लेकिन इस्कॉन कहीं दूसरे मंदिर है, वहाँ बहुत बार जो क्या फर्स्ट इनिशिएशन वाले बनाते हैं, कहीं कहीं बहुत जगह इनिशिएटेड भक्त नहीं है तो जो लोग माला कर रहे हैं 16 माला वही बनाते हैं। तो देखते हैं कि हम बेस्ट कृष्णा को क्या दे सकें। गुड, हमारा भाव ये है कि हमको कृष्णा को कुछ बेस्ट देना है, ये सात सौ कृपा है। सुंदर पॉइंट बताए प्रभु जी ने। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, विषय अन्न खाइले मलिन है मन, है ना, मलिन हृदय ना हो कृष्णेर भजन, मलिन हृदय ना हो कृष्णेर भजन। तो ये सच में जो तीनों प्रभु जी बताए, आप भी कुछ बोले ना। बोलूंगा, अच्छा बोलिए, यू कैन टेल। ये गौरगोविंद स्वामी महाराज का उदाहरण है। हाँ, गौरगोविंद स्वामी महाराज जब घर छोड़ के हिमालय की तरफ गए थे तो हरिद्वार या उसके बाद कहीं रुके थे, हरिद्वार की तरफ रुके थे, तो वहाँ पे खाने का इतना व्यवस्था तो उनके पास नहीं था, तो वो जाके भंडारा चलता था तो भंडारा में खा लेते थे। तो भंडारे खाने के बाद उनका जो भजन का तीव्रता था वो भजन नहीं हो पाता था। अच्छा, और उनका मन डिस्टर्ब होता था। हाँ, तो ये होता है जैसे प्रभु जी ने बोला कि मलिन हो मन, मलिन होता है कि वो किस विचारधारा से भंडारा दे रहा है, प्रेम से दे रहा है या कुछ समस्या का समाधान करने के लिए दे रहा है, तो वो आपके चेतना में आता है, तो ये समस्या है। नहीं, ये जो प्रश्न था ये कोई बहुत विराट प्रश्न नहीं है, बट आपको सिचुएशन देखना चाहिए, कौन सी स्थिति में आप अभी तो इस्कॉन हर एक जगह है, अब बाहर जाके क्यों करना पड़ रहा है, मायापुर में आओ फ्री में मिल रहा है, वृंदावन जाओ फ्री में मिल रहा है, वैष्णव तो दो तीन जगह ही मैक्सिमम जाते हैं। नहीं प्रभु जी, आप जो बोले ना उसमें आप जो बोले एकदम परफेक्ट है, लेकिन ट्रेन में जब हम लोग सफ़र करते हैं, जैसे कल मैं रात को विचार कर रहा था द्वारका जाएंगे, तो द्वारका जाएंगे फ्लाइट से टिकट देख रहा कि 16 घंटा लगेगा,
और अगर हम इसे बाय ट्रेन से जाएंगे तो 42 hours 42 घंटा लगेगा। तो यद्यपि अगर थर्ड एसी में बुकिंग करते तो आराम से रहने को मिलेगा, लेकिन प्रसाद IRCTC में भी बिना लहसुन प्याज के मिलता है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होता है, नहीं खाना चाहिए। इसलिए IRCTC एकदम नहीं चलेगा, कभी खाएगा भी नहीं IRCTC। और इस्कॉन टेम्पल या भक्तगण ला देंगे कि नहीं लेंगे, इसीलिए अभी भी कन्फ्यूजन है कि द्वारका जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो आप जो बोले कि सरल भाव से कि अभी इस्कॉन टेम्पल हर जगह, लेकिन ट्रेन में अभी भी इस्कॉन नहीं घुसा है। कुछ कुछ क्षेत्र में भक्तगण देते हैं, लेकिन उतना बड़ा जर्नी में देंगे कि नहीं, डाउट है। नहीं, थोड़ा कर सकते हैं, जैसे कुछ है हम ड्राई प्रसाद ले जा सकते हैं। हाँ, और उसके अलावा कुछ कुछ सेंटर में है, अभी एक व्यवस्था आया है जिसमें जगह जगह प्रसाद की व्यवस्था है। हाँ, आपको पहले से बोलना पड़ेगा, मतलब पहले से बताना पड़ेगा, ऐसा ना कि आज बोले और प्रभु जी शाम में प्रसाद चाहिए, तो वो लोग भी थोड़ा हक्का बक्का हो जाए। तो हो सकता है कि कुछ सेंटर में क्या होता है, जैसे दिसंबर के मंथ में, जैसे मैं देखा हूँ कि बहुत सारे लोग बुक डिस्ट्रिक्ट में निकल गए, तो हो सकता है कि एक सेंटर में ना मिले, अगला सेंटर में मिले। मतलब हमारा ब्रेकफास्ट हो सकता है लंच में हो, कब हो हमारा ब्रेकफास्ट हो सकता है लंच में हो, और लंच डिनर में हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ व्यवस्था थोड़ा थोड़ा कुछ मिल ही जाता है कहीं कहीं से। गुड, व्यवस्था हो सकते हैं। और आप जब चैतन्य महाप्रभु का लीला जब सुनेंगे रथ यात्रा से पहले, यहाँ से मायापुर से, उस टाइम ट्रेन नहीं था, बस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो बैलगाड़ी से यहाँ से बंगाल से सब लोग जाते थे, शिवानंद से ले जाते थे, ले जाते थे राघवेर झाली, राघव का झाली जाता था। ठीक है, और ज़्यादातर जो आप अगर जन्माष्टमी में आप थोड़ा इस्कॉन के कैंपस में घूमते तो देखते कि सब लोग की चूड़ा चूड़ा ना और मुड़ी लेके आए हैं और तीनों टाइम खा रहे हैं। तो ठीक है, आप जर्नी करें तो मुड़ी ले लीजिए, चूड़ा ले लीजिए। हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, मुझे तो हर जगह भात चाहिए। आप देखिए बंगाल का लोग कोई एक टूर में जाएंगे, गंगा सागर में आप जाएंगे, तो ऐसे तो हम लोग तो इस्कॉन में पाते थे, जो लोग इस्कॉन नहीं है उन लोग के पास मुड़ी रहता है पूरा बैग, वो हल्का भी है भेजने में भी है, और मुड़ी ही खाते है तीनों टाइम। आप मुड़ी ले जा सकते, चूड़ा ले जा सकते हैं, ट्रेन में कीड़ा मिलता है और 42 hours कैन यू इमेजिन। ठीक है, परंतु आप कहीं कहीं जाएगा, जैसे आप हावड़ा से चढ़े वहाँ पे प्रसाद मिल जाएगा, फिर जो आपका लोकेशन है उसमें बहुत सारे टेम्पल आएगा आपका बीच। हाँ, वो तो मिलेगा, चलिए तो दो तीन जगह दोपहर का ट्रेन से ही जाएंगे, द्वारका ट्रेन से ही जाएंगे, फल भी लगा जी, फल जैसे हमारे श्रीधर प्रभु जी बोले कि फल भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे श्रीपाद निताई गुणमणि प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम है अपूर्व नाथ, ये बंगला में क्वेश्चन की है। अच्छा प्रभु, एक जिनिस जानार छिलो, बीए शादी ते जे धामली गान गावा जाए एगुले के अनेक भावे गाय, এগুলোতে রাধা গোবিন্দের প্রেমকে জড়জাগতিক প্রেমের সাথে তুলনা করা হয়, তাই এগুলা কি নাম অপরাধের মধ্যে পড়ে? ইসকা প্রশ্ন হ্যাঁ কি জেসে শাদি মে হতা না, পরদেশি পরদেশি জানা বিভিন্ন প্রকার কা গানা গাতে হয়, কোই ফিল্মি গানা গাতে শাদি মে, যে শাদি মে এসে তো কবি কবি ক্যা হতা হ্যায় রাধা কৃষ্ণ মতলব সীতারাম রাম সীতা খেলা করে সরজু নদীর কিনারে, ইস প্রকার বহুত সারে गाना गाया जाए, तो क्या नाम अपराध में आता है क्या ये सब? इसका उत्तर फिर से एक बार बोलिए। इसका प्रश्न इस प्रकार है कि जैसे शादी होता है ना, शादी घर में, तो शादी घर में क्या होता है, फिल्मी गाना चलाते हैं लोग माइक में, और कभी कभी मतलब राधा कृष्ण राम सीता लक्ष्मी नारायण ऐसा कुछ जोड़ के बना के गाना तैयार किया जाता है, जैसे वो जो पति और पत्नी जो होंगे वर और वधू, अच्छा, उनके नाम पर तुलना करके राधा कृष्ण का ये सांकेतिक भाव देके माने बोला जाता है कि ये राधा बनेगी। ये बंगाल में वर और वधू को राधा कृष्ण बोल के हमको तो कोई पता नहीं है कहाँ का बात बोल रहे, बंगाल में ऐसे नहीं होता है। बंगाल में ज्यादातर जो नॉन डिवोटी है वो लोग हिंदी फिल्मी गाना चलाते हैं, और अगर डिवोटी हैं जैसे हम लोग गए थे, हम लोग पूरा टीम लेके रथ यात्रा होता है कौन से जगह नाम भूल गए, कौन सा राज्य बंगाल में, बड़ा सबसे पहले एक मंदिर है, ओके, तो हम लोग
पूरा टीम रहता है कीर्तन का, नहीं टीम नहीं, हम लोग 500 गए थे, हमको बोला नहीं पहले कि शादी घर है तो नहीं जाते परंतु सुंदर निदाई पुआ हमको ले गए और फिर वहाँ पे जाके हम लोग 1 घंटा कीर्तन किए। शादी पूरा एरिया है, सब जैसे सब डिवोटी है परंतु ब्रह्मचारी लोग शादी में कीर्तन के कैसा लगता है, तो पहले बोला नहीं हम लोग को, गए तो हम लोग 1 घंटा कीर्तन किए और फिर हम लोग प्रसाद लिए फिर आए। तो इसीलिए जो नॉन डिवोटी लोग वो लोग हिंदी गाना करते फिल्मी, और भक्त लोग अगर हैं तो लोग हरिनाम करते हैं और नहीं तो कुछ भजन चलाते हैं, ठीक है। और बर और वधु को राधा कृष्ण ये तो हमको पता नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन आपकी एक बात मुझे बहुत हंसी आ रहा है कि सच में किसी का शादी हो और ब्रह्मचारी लोग जाके नहीं, हमको नहीं बोला था कि शादी घर है, जैसे चलो प्रोग्राम है और सुंदरनी तय पर वो ले गया तो हम ठीक है चलिए चलिए, और हम लोग 5-6 आदमी भक्त गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे प्रभु जी के लिए, नितय गुणमणि प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। কৃপা করে জানাবেন মায়াপুর ধামে নৃসিংহদেবের গলায় প্রতিদিন ফলের মালা কেন পরানো হয়? প্রতিদিন নৃসিংহদেবকে যে গলে মে ফল কি মালা কেউ দিয়া যাতা হয়? হোয়াট ইজ দি নিম্বু রুট পয়েন্ট? নিম্বু নিম্বু হ্যাঁ নিম্বু হো জো ভি হো ফল হ্যা না ও। তো ইয়ে প্রশ্ন কই ভক্ত মুঝে পুছে থে, তো মে এসে পূজারি কো পুছা থা কি ইসকা মহত্ব ক্যা হ্যা, তো ও বল রহে থে কি ইসকা কই বিশেষ ইসকা উনকো ভি পতা নাই থা, बट वो परंपरा से चली आ रहा है तो वो दे रहे हैं। और जो नींबू होता है वो नेगेटिव चीज़ को, जैसे घर के सामने नींबू टांग देते हैं ना, नींबू मिर्ची देके टांग देते हैं तो नेगेटिविटी को हटाता है ना। तो इस प्रकार का विचारधारा लेके कोई भक्त देते होंगे भगवान को, और भगवान तो कुछ भी माला पहन सकते हैं। जैसे वृंदावन में भगवान जाते थे वन में तो पेड़ जो है खुद झुक के वो फल देना शुरू कर देते थे, और भक्त लोग फूल का पत्ता का फल का माला भगवान को अर्पण करते थे। तो भगवान कुछ भी पहन सकते हैं, और इस प्रकार का उसको उत्तर हो सकता है। और कुछ कोई बताना चाहते थे बता सकते हैं। एक सुना हाँ। था कि एक भक्त बना के देता है वो माला, वो उसकी तरफ से डोनेशन है, वो भगवान को यही देना चाहता है। जैसे अलग अलग जगह है, मतलब कुछ दिन पहले गया था ये हिजोलेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की व्यास पूजा में, तो वहाँ सुना कि एक माता जी है वो महाप्रभु को और अरण्य को भी कुछ कुछ बनाती है। तो कुछ लोग का भाव है कि हम भगवान के लिए ये वाला बनाएंगे या भगवान को हम ये देंगे, तो वो उसी भाव में क्या होता है कि वो देते हैं। तो कुछ लोग हैं कि जैसे माताएँ हैं या कुछ लोग हैं जैसे भगवान के पाँव में वो जो एक फूल की माला या तुलसी की माला बनाते हैं वो बनाते हैं, तो सबका एक अलग अलग भाव है। ये चाहते हैं कि हम नींबू का माला दें, हो सकता है कि उनके पास नींबू का बहुत पेड़ हो, ये भी हो सकता है क्योंकि जिसके पास जो है वही देगा है ना। वात्सल्य भाव भी हो सकता है, जैसे जब भगवान श्री कृष्ण को कभी पुतना कभी अघासुर कभी बकासुर आते तो जसोदा माता को भय आती थी कि पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होगा, तो अपनी तरह से भूत प्रेत टोटका ये सब करते थे। जैसे महाप्रभु का जब जन्म हुआ तो बिन निमाई नाम दिया गया ताकि मेरे बच्चे का कुछ प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे नहीं आपका हुआ हाँ पर आपके लिए प्रभु जी के लिए, अच्छा सुभजय प्रभु जी के लिए है प्रश्न। हिंदुरा जे बहुत देव देवीर पूजा करें सेटी यथार्थ নাকি একমাত্র কৃষ্ণ পূজা করলেই আর নতুন করে কোনো দেবদেবীর পূজার প্রয়োজন নেই? সুজন নাথ শিলিগুড়ি ওয়েস্ট বেঙ্গল। উনকা প্রশ্ন কি হিন্দু লোক দেব দেবীয় কি গণেশ কার্তিক দুর্গা কালী কি পূজা করতে হ্যাঁ, তো ক্যা একমাত্র কৃষ্ণ পূজা করলে সে চল যায়গা? দেব দেবী দেবী কাজ পূজা হ্যাঁ বঙ্গাল মে, আপ তো শিলিগুড়ি সে হ্যাঁ, বঙ্গাল মে সবই ঘরো মে দেব দেবী কা পূজা হতা হ্যাঁ। और इस्कॉन से जुड़ने से पहले या गौड़ीय संप्रदाय से जुड़ने से पहले सभी बंगाल के घरों में जो ठाकुर बाड़ी होता है यानी जो अल्टर होता है उसमें सब मिलेगा, गणेश से हनुमान जी से राम से कृष्ण से दुर्गा से काली से सब लक्ष्मी होता है। परंतु शास्त्रों को अगर आप पढ़ेंगे विशेष करके गीता में कृष्ण ने बोले हैं कि जो देव देवी का आराधना करते हैं वो अल्प बुद्धि संपन्न
क्यों अल्प बुद्धि संपन्न? उसमें प्रभुपाद जी का या किसी महाराज जी का एक लेक्चर मैंने सुना था कि आप धरिए, आप कहीं जगह गए हैं तो जाने का समय आपको बहुत ही वेलकम, बहुत ही अच्छे से वेलकम किए, ठीक है, आपको सोने का मुकुट पहना है, सोने का जूता पहना है, बहुत कुछ दिया उनका घर में जाने से ही, ठीक है, वेलकम किया, मेरे घर में आए हैं आप लीजिए बहुत कुछ, और आप घर के चौकट से आप निकल जा रहे हैं, सब कुछ आपको छीन ले रहे हैं। तो वैसे देव देवी का जो दिया हुआ जो वरदान है, जैसे दुर्गा पूजा भी नज़दीक है, आ रहे हैं, तो उसमें आप जितने मंडप है, मंडप से माइक में आवाज़ आएगा, जो लोग पुष्पांजलि देना चाहते हैं वो लोग आ जाएं, तो फिर पुष्पांजलि में क्या बोला जाता है, धनंग देही दसंग देही रूपंग देही 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 देही, और चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है, न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनिश्चर भवताद भक्तिर अहित की तई, मेरे जन्म जन्म में भगवान का भक्ति मांगता हूँ, भक्ति का जो फल है वो नित्य है। तो किस लिए बोला है कि देव देवी का जो भक्त हैं वो मूर्ख है, मूर्ख यानी अल्प बुद्धि संपन्न बोले, मूर्ख बोलने से थोड़ा सही होगा, अल्प बुद्धि संपन्न, किस लिए बोले, क्योंकि उनका जो फल है अनित्य है, आपका शरीर खत्म होने के बाद आपको कुछ नहीं लगे, शरीर लक्ष्मी देवी आपको कृपा किए कि आप करोड़पति बनेंगे, हुआ ठीक है, मृत्यु के साथ साथ आपका एक भी पैसा आप नहीं ले जा सकते हैं, परंतु भक्ति का जो फल है वो आपके साथ जाते हैं। और भगवान बोलते हैं कि स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते मत, अगर कोई भी ये जो भगवत भक्ति है थोड़ा सा भी करते हैं उनको महाभय से प्राण पाते हैं। तो देव देवी का आराधना करते हैं पहले गीता भागवत ना पढ़ने से, साधु संग ना होने से, परंतु कोई अगर वैष्णव की संग मिलता है किसी को तब वो जान पाते हैं कि देव देवी का आराधना करने से उससे बेहतर है भगवान की आराधना। और भगवान की आराधना करने से क्या होता है, जैसे गाछ का मूल में पानी देने से पूरा गाछ में पानी चला जाता है, फल में फूल में पत्ते में, वैसे अगर कृष्ण में कृष्ण भक्ति कर ले सर्वकर्म कृत है, अगर कृष्ण का भक्ति अगर आप करते हैं तो देव देवी संतुष्ट होते हैं। और अगर आप धरिए आपका घर अल्टर में है, आपको 33 करोड़ नहीं 50 किस्म का आपका देव देवी है, तो कोई कोई जो घर का लोग पूजा करते हैं तो उनका स्वभाव है सबको एक एक फूल देना, तो सोचिए एक को फूल नहीं दिया आपने, ठीक है ना, बहुत सारे गणेश है लक्ष्मी है किसी को नहीं दिए, तो ऐसे आप अगर किसी को फूल नहीं दिए तो रूठ सकते हैं, परंतु कृष्ण के भक्त अगर आप करेंगे, जैसे कृष्णा बोलते कि मामेकम शरणम अहम ताम सर्वपाप मोक्ष स्वामी मां सूचो, और आप सिर्फ बोल नहीं रहे, कृष्ण दिखाए हैं, जब दुर्वासा मुनि ने पांडव के ऊपर अत्याचार करने के लिए आए, दुर्योधन ने जो भेजा था तो भगवान ने रक्षा किया, है ना, द्रौपदी जो थोड़ा सा सेवा किया रक्षा किया, तो इसलिए हमको देव देवी के आराधना से आराधना कर सकते, अगर कोई करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, परंतु उनको प्रार्थना करना है कि हे देवी देवताओं, जो भी जिसका शिव जी का हो भक्त या दुर्गा का हो, कि हमको कुछ अच्छा बुरा पता नहीं है, कृपया हमको सद रास्ता में ले चलिए। आप अगर ऐसे निष्कपट भाव से देव देवी को भी आप जब पूजेंगे तब वो सही रास्ता दिखाएंगे कि कृष्णा हम लोग का, वो भी जानते हैं कि कृष्ण प्रभु है, तो उनका भक्ति का पथ वो दिलाएंगे। तो इसीलिए अगर बंगाल में बहुत सारे घर में जो अल्टर में सब कुछ रहते हैं, आप गीता को पढ़िए, साधु संग कीजिए, तब आप और आप जो पूजा कर रहे हैं देव देवी का, आप पूजा कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हमको सही रास्ता पता नहीं है, कौन भगवान है, किसको पूजा करना चाहिए, तो आप अगर निष्ठा से उस देवी देवता को पूजा करेंगे वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे कृष्ण के ओर। शायद आपको क्वेश्चन का आंसर बहुत सुंदर, तो हमारे शुभ विजय प्रभु जी बहुत ही तथ्य एवं फिलोसफी भाव से हम सबको समझाए,
कि देवी देवताओं की पूजा करना जरूरी नहीं है, लेकिन पूजा करने से आपको निष्कपट भाव से भगवत भक्ति मांगना है कि मुझे नहीं पता कि क्या अच्छा है मेरे लिए क्या बुरा है, तो आप ही उनके लिए डिसाइड कीजिए। और हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर भी बोले कि ना पूजी वे देवी देवा सर्व सिद्धि गोविंद चरण। भगवान पति गुरु का भी याद आ रहा है, बहुत हंसी लग रहा था। कमलापति गुरु एक बहुत हंसते हुए बोल रहे थे इसके विषय जी, देखो जे बोले कृष्ण लीला तो आप लोगों ने देखा ही है, हाँ अब इंद्र का एक बार थोड़ा सा बंद किया पूजा क्या किया भाई, वो तो पूरा बारिश ला के डुबाना चालू कर दिया। बोला तो लेकिन हम लोग कभी भगवान का भक्ति नहीं करते, भगवान कभी ऐसा डुबाता नहीं हमको। सुंदर पॉइंट हमारे रसमय नित्यानंद, हंसी आ रहा था जब कमलापति रस लेके बोल रहे थे ना। जी जी जी, सुंदर पॉइंट बताया कि अगर मान लीजिए भगवान की भक्ति करते करते अगर भगवत भक्ति नृसिंहदेव की आरती अगर छोड़ भी दे तो वो आपको डुबाएंगे नहीं, लेकिन अगर देवताओं का भक्ति शुरू किया, साईं बाबा का भक्ति शुरू किया और अगर अंत में अगर छोड़ दिया तो इंद्र जैसे डुबाए थे पूरा वृंदावन वासी को, तो ऐसा हाल होगा। और शुभ विजय प्रभु जी एक बहुत सुंदर पॉइंट बताए कि निष्कपट का, इसमें मुझे लाल गोविंद प्रभु जी का एक लेक्चर याद आया, उन्होंने बोला था कि अगर कोई देवी देवताओं की भक्ति सच्चे मन से करता है, शिव की भक्ति करता है, तो वो एक दिन भगवान कृष्ण को पाता है। कहने का मतलब नरसिंह मेहता उसका उदाहरण दी, वो पहले शिव भक्त था जो महान गुजरात के संत है, तो नरसिंह मेहता शिव भक्त थे, तो वो शिव से कुछ मांगते नहीं थे कि मैं गरीब हूँ तो मुझे कुछ दीजिए, मेरे इतने इतना बड़ा परिवार है उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, वो शिव से कुछ मांगते नहीं। तो एक दिन शिव जी उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और बोले कि नरसी बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। तो नरसी बोले कि आपको इस संसार में कौन सा व्यक्ति सबसे प्यारा है वो चीज़ मुझे मिला दीजिए। तब शिव जी बोले कि मेरा तो सबसे आराध्य देव है कृष्णा, तो मैं तुमको वो चीज़ प्रदान करता हूँ। तो नरसिंह मेहता को शिव जी ने कृष्ण भक्ति प्रदान किया और उनको गोलोक वृंदावन ले गए, रासलीला का दर्शन कराया। तो इसके माध्यम से, इस घटना के माध्यम से ये चीज़ समझ में आता है, अगर कोई जाने अनजाने में जिसको पता नहीं, जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दे कि बंगाल में हर ठाकुर बाड़ी में हर अल्टर में सभी देवी देवताओं का विग्रह या चित्रपट रहता है, तो जाने अनजाने में अगर आप निष्कपट बने रहे तो एक दिन आपको कृष्ण भक्ति जरूर मिलेगा। यही है इस क्वेश्चन का सार। अंत में एक प्रश्न पूछेंगे हमारे रसमय नित्यानंद प्रभु से और आज का जो सेशन है उसको समापन करेंगे। अच्छा ओके, तो प्रभु जी के लिए प्रश्न है, पता नहीं ये प्रश्न उनको करूं कि नहीं, तीन प्रश्न है, चलिए आप चूज कर लेना। पहला, एक जन शूद्र छेले एक जन ब्राह्मण में है कि बीए करते पारे, यदि वो करे ताते कि कोनो दोष होवे, अगर कोई शूद्र लड़का एक ब्राह्मण लड़की से शादी कर सकता है, पहला प्रश्न। और भगवान केनो हमारे पृथ्वी लोग के पाठिशन, भगवान क्यों इस संसार में भेजे हैं। और तीसरा है कि माई क्वेश्चन, हाउ टू चूज राइट आश्रम लाइक गृहस्थ और ब्रह्मचारी फॉर सिंगल सन इन होम। मतलब इनका जो आपके लिए यही क्वेश्चन ठीक है कि एक माता पिता का एकमात्र संतान हूँ मैं, तो मुझे प्रभुपाद का जब मैं बुक पढ़ता हूँ तो लगता है कि ब्रह्मचारी लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ, लेकिन मैं माता पिता को जब देखता हूँ उनका एकमात्र संतान हूँ तो मुझे गृहस्थ आश्रम में भी जाने को मन करता है। तो इस स्थिति में आप मुझे बताइए कि कौन सा आश्रम ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो लोग सिंगल सन हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं घर से, क्योंकि एक सिंगल सन है तो मतलब बहुत प्यार मिला है, पहले एक समझ जाना है कि बहुत प्यार मिला होगा लाट, तो उस आसक्ति से निकलना आसान नहीं है। और उसके अलावा लेकिन हाँ, यदि हम उसी आसक्ति में यदि फंसे रहें तो फिर तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम होते ही रहेगा। तो अभी हम एक माता पिता के लिए रो रहे हैं, बाद में हो सकता है कितने माता पिता मिलेंगे, हमको तो याद भी नहीं रहेगा, जब नया जन्म होता है तो याद रहता है क्या, नहीं रहता। तो अब हमको देखना है कि बेस्ट पॉसिबल वे में हम कैसे सेवा कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, मान लीजिए कि वो गृहस्थ आश्रम में चला गया लेकिन उसको मन ही नहीं लग रहा है, आओ उसकी पत्नी बोलेगी अरे शादी किया है बात ही नहीं करता है, पूरा अकेले अकेले रहता है, सांस साथ रहता है, तो डर उसकी पत्नी डर जाएगी किससे शादी कर ली भाई
ये तो पूरा ऐसे ही मतलब क्या कहे एक पूरा से बोतल एक घटना याद आ रहा है इस विषय में कि एक बार क्या हुआ कि एक भक्त की मतलब वो सोचे कि हमको गृहस्थ आश्रम प्रवेश करना है तो लड़की देखने के लिए गए फिर लड़की देखने के लिए गए तो उतनी डिवोटी नहीं थी क्योंकि घर वाले जब सिंगल सन होते ना तो सोचते कि सब भक्ति मैं को ले आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा कुछ अपने टाइप वाले बने तो उधर लेके गए तो वहाँ जब लेके गए तो लड़की से बात हो रहा था तो लड़की पूछती है क्या करते हैं सब चीज़ें आपका दिनचर्या बताइए बोले सुबह उठ जाते हैं सुबह उठने के पश्चात मंगल आरती में जाते हैं मंदिर मंगल आरती करके आते हैं फिर क्या करते हैं वो जप वप चलता है फिर भागवत श्रवण करते हैं प्रतिदिन प्रसाद पाते हैं फिर जो भी है उनका ऑफिस चले जाते हैं ऐसा वो बहुत सारी चीज़ होता है फिर आके क्या करते हैं तो बोलते भागवत पढ़ते हैं फिर बाद में क्या करते हैं बोलते गीता क्लास सुनते हैं फिर बाद में क्या करते फिर महाप्रसाद और फिर कुछ प्रीचिंग जो भी है सब चीज़ें तो वो लड़की बोली कि तो शादी आपकी बोलेगी शादी क्यों कर रहे हैं आप तो पूरा मतलब साधु संत व्यक्ति है हाँ। आपको तो भगवान की सेवा में ज्यादा लगना चाहिए तो आप इधर क्यों आ रहे हैं तो वो सोचे कि इसके साथ हम रहेंगे तो मेरा ही जीवन बर्बाद हो जाएगा वह टाइम ही नहीं देगा हमको तो वो भक्त फिर सोचे कि अरे हाँ सही बोली तो हम तो पूरा दिन भर भक्ति ही कर रहे हैं हाँ। इसके लिए तो टाइम ही नहीं दे पाएंगे और वो लड़की भी उस प्रकार से समझने में नहीं है तो ये चीज़ें हैं तो हम उसको ये नहीं कर रहे कि सब लोग ऐसे ही करेगा फिर भी थोड़ा सा ये समझना है कि हम कैसे उसको नाइस मतलब घर वाले को एक अच्छे परिवेश में रख दें मेन चीज़ें होता है कि उनका फाइनेंशियल नीड्स जो है बाद में हेल्थ चैलेंजेस जो आएगा क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ता चला जाता है तो मेन समस्या आता है हेल्थ चैलेंज कौन देखने वाला है तो यदि उनकी बहुत तीव्र इच्छा है कि हाँ हम ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करें तो कुछ पैसे कमा कर एटलीस्ट बहुत तो हम नहीं बोल सकते जितना हो सकता है जिसमें उनका सामान्य जीवन चल जाए उतना पैसा कमा कर घर वाले को दे सकते हैं और यदि यथेष्ट पैसा है तो कम से कम उनको ऐसे सगे संबंधियों के पास रख सकते हैं जहां वो अच्छे से अपना सब चीज़ें कर पाएँ उनको उतना अकेलापन महसूस ना हो नहीं तो सोचते कभी कभी लोग सोचते हैं कि अरे मेरा लड़का है या ये जो भी है चले जाएंगे तो हमको देखने वाला कौन होगा तो सभी को एक विश्वास परस्त लोग चाहिए कि जो उनके विश्वास पे खड़े उतरे नहीं तो बहुत बार हम लोग आजकल से टीवी में देखे हैं कि बहुतों के पास होता है कि बहुत पैसा होता है अब वो लेकिन लोगों पे विश्वास नहीं करते क्यों वो लोग पीछे लगे रहते कि इस बूढ़े बुढ़िया को कैसे मारेंगे इसकी सारी संपत्ति ले लेंगे या कैसे साइन करवा लेंगे किसी पेपर पे सारा हमारा हो जाएगा तो इस उनको ऐसे अपने लोगों के पास रख दे जहाँ वो नॉर्मल जीवन जी सके फिर यदि वो मंदिर के कहीं कम्युनिटी के आसपास में है तो भक्तों से भी वैसा रह सकते हैं कि हाँ भक्तों के आसपास आके मिलते रहेंगे कभी इच्छा हुई तो अपने आके बेटे को देख भी सकते हैं ब्रह्मचारी आश्रम में और यदि वो ब्रह्मचारी आश्रम में आके सब समय घर ही का चिंता कर रहे हैं तो फिर तो ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं रहना चाहिए उनको है कि नहीं कि ब्रह्मचारी आश्रम एक तपस्या का जीवन है जिसमें आपको भगवान के विषय में सोचना है और प्रचार के विषय में ज़्यादा सोचना है तो यदि आप देख रहे हैं कि आश्रम मेरे लिए मेरे भक्ति जीवन में अच्छा नहीं है तो उस आश्रम में आपको प्रवेश कर देना चाहिए तो आपके स्वभाव पर निर्भर करेगा आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आप किसमें स्ट्रांग है क्योंकि किसी को कोई ज़बरदस्ती ब्रह्मचारी नहीं बना सकता है और किसी को कोई ज़बरदस्ती गृहस्थ नहीं बना सकता रघुनाथ दास गोस्वामी जी का शादी हो चुका था है ना लेकिन उनका मन क्या हुआ बोलते चैतन्य बातुल और चैतन्य महाप्रभु के पूरा उनका मन लग गया अब उनको घर में पर अच्छा ही नहीं लग रहा सुंदर स्त्री बोलते हैं बहुत सुंदर स्त्री है और लेकिन उनको आसक्ति ही नहीं है तो वो चीज़ है कि अब कोई गृहस्थ आश्रम में रहे वो पूरा बैरागी हो जाएगा कुछ को समझ ही नहीं आएगा रामचंद्र कविराज का भी तो ये सब चीज़ें हैं बहुत सारी घटनाएँ हैं कि हमको देखना है कि हम कहाँ अच्छे से फिट आ जाए तो वहाँ पे हम रहेंगे तो अच्छे से भगवान की सेवा करेंगे और सभी को संतुष्टि होगी और सबसे बड़ा चीज़ है कि हमको भी संतुष्टि होगी जब हम संतुष्ट रहेंगे मतलब जब भक्ति में जैसे बोलते हैं सुसुखम करते हुए कि आनंद आएगा लेकिन वो यदि कष्टदायक हो जाए तो फिर तो आप ना भक्ति करेंगे ना कुछ हिंदी बोलते ना माया मिली ना राम ऐसा हो जाएगा तो ऐसा ना करें
कम से कम अच्छे से भक्ति कीजिए। हाँ, जो प्रश्न में जो था कि उनका इच्छा दोनों है, जब वो प्रभुपाद का बुक पढ़ता है तो लगता है कि मुझे ब्रह्मचारी रहना है, और जब अपने माता पिता को देखते हैं तो लगता है कि मुझे गृहस्थ जीवन में जाना है। तो जैसे हमारे जो दो प्रभु है, आश्रय गोविंद प्रभु, जगत गुरु प्रभु, वो दोनों माता पिता के एक ही संतान है, यस। लेकिन वो लोग ब्रह्मचारी जीवन भी बिताए, जितना देर तक प्रभुपाद की सेवा में भी अभी भी लगे हुए हैं, और एज ए ब्रह्मचारी लाइफ भी जिया, और उसके बाद माता पिता की भी सेवा कर रहे हैं। अभी मुझे समझ में संकीर्तन निताई चंद पर मुझे क्या याद आता है, आपका फ्रेंड, वो तो माता पिता का एक ही संतान है। अभी कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक्चुअली देखिए, जो क्वेश्चन किए हैं, क्या नाम, रूपक दे शायद, जो भी है, तो ये एक बड़ा, बहुत बड़ा डिसीजन है। ये टॉक शो में देख के आप ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको इसके लिए आपको किसी के गाइडेंस में रहना है। आप जो भक्ति करते हैं किसी का गाइडेंस में शायद, तो आपको भली भांति जानते हैं, है ना। तो इसीलिए ऐसे जो गाइडेंस आपके, जिस गाइडेंस से, जिसके संघ द्वारा आप भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं, उनको आपको फॉलो करना है, क्योंकि वो जानते हैं। यहाँ से हम बता देंगे वैसे नहीं हो सकते, जो आपको जानते हैं, है ना। तो इसीलिए आप जिसको द्वारा आप भक्ति में गाइड लेते हैं, उनको आप जाके बताएंगे तो आपको बहुत सही सुझाव देंगे, नहीं तो यहाँ से हम लोग क्या बता पाएंगे, है ना। अच्छा सुबह जी प्रभु, इसमें मुझे और एक चीज़ याद आया, जैसे रसों में प्रभु जी एक जो एक शेड्यूल का एग्जांपल दिया कि वो ऐसे दिन में मंगल आरती, दर्शनार्थी, भागवतम क्लास ऐसे, और लड़की बोले कि जब सब कुछ आप ब्रह्मचारी का ही काम करते हैं तो शादी क्यों करना है, तो उस संबंध में आपने मुझे कल एक एग्जाम्पल दिया। और इसमें एक बताना चाहता हूँ, दोनों का भाव, भक्त हो सकता है दोनों ही, परंतु दोनों का स्वभाव एक होना चाहिए, है ना। इसलिए शादी जब होता है, हम लोगों का हिंदू मैरिज अनुसार वो कुश्ती दिखा जाता है, है ना, कि इनका स्वभाव कैसे है, उनका स्वभाव कैसे है, और दोनों का पिता माता। एक्चुअली अभी तो ज़्यादातर शादी जो होता है 80% लव मैरिज, और मैरिज से पहले कुछ सब कुछ माने फिक्स्ड हो जाता है, फिर वो लोग शादी करते हैं। परंतु पहले क्या होता था, पहले लड़की का, उनका जो वंश परंपरा, लड़की का माँ बाप देखते थे, लड़का का पूरा परंपरा, वो सब देखने के बाद होता था, और लास्ट में ठीकू जी मिलाता था कि इनका कौन सा गन है, उनका कौन सा गन है, उनका स्वभाव कैसा है। दोनों का स्वभाव अगर विपरीत होगा तब तो मुश्किल है। तो इसीलिए सब कुछ विचार करके शादी एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि ऐसा नहीं आज शादी के कल छुटकारा ले ले, है ना। अच्छा कल एक आपने एग्जांपल दिया था, जैसे रसों में प्रभु जी पॉइंट आउट किए थे कि अगर वो पूरी तरह से मंदिर से कनेक्टेड है तब तो अपनी पत्नी की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते, तो आपने एग्जांपल दिया था देवभूति और कर्दम का, कि पहले उसमें देवभूति कर्दम में देखिए, इंद्रिय तृप्ति तो गृहस्थ जीवन में रहता है, ठीक है। आप देवहूति कर्दम संवाद में देखेंगे महिला का वो स्वभाव होता है, तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। जब शादी करेंगे आप, उस टाइम आप ब्रह्मचारी बनेंगे या उस टाइम हम महात्मा हैं, विशेष भोग, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको जब शादी करना है तो आपको ये इसको माइंड में रखना चाहिए कि हमको उनको, हाँ, उनको प्यार दुला सब कुछ देना है। तो कोई कोई होता है जैसे भावुक होता है, उसको पहले सोचना चाहिए कि मैं शादी कर रहा हूँ, उनको सब कुछ समझ के, इसलिए किसी को गाइडेंस लेना चाहिए, किसी को गाइड लेना चाहिए। शादी अभी मेरा मन हुआ, दो दिन संसार किया, फिर बैरागी, ऐसा नहीं होता है। एकदम उनको कम से कम 40-50 साल तक उनको साथ रहना है, उनका मन को, एक दूसरे का मन को समझना होता है। और वैसे ही आप अगर स्थिति आपको ऊपर हो, लेकिन ऐसे आपको बिहेव करना पड़ता, फिर तो 50 साल के बाद आप तो बानपस्त लेंगे तब तो। बहुत सुंदर।
तो इस प्रकार आज का हमारा जो सेशन बहुत ही सुंदर सेशन हुआ, जो हमारे तीनों प्रभुजीगण अपना अपना अनुभव, शास्त्रों का कोटेशन, प्रामाणिक स्रोत सब कुछ प्रदान किए। तो मुझे लगता कि आप जितने सारे भक्तों का प्रश्न आया था सभी का कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो और भी किसी भी प्रकार का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग भेज के रखिए। पुनः अगले शनिवार को मिलते हैं आप सभी भक्तों के बीच में। तो आज की कथा को, आज का जो हमारा प्रसंग, यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।